Hi guys and welcome to my next video. If you are coming to Canada and wondering which SIM card to purchase, how to purchase, from where to purchase and how much does the SIM card cost and can you get a new mobile with the SIM card and why the mobile plans are so costly in Canada? I will be discussing all these points in this video. So let's begin it. As a newcomer to Canada, important. सोशल इंश्योरेंस नंबर मोबाइल नंबर और एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना तो मुझे लगता था ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं क्योंकि अगर सोशल इंश्योरेंस नंबर चाहिए तो उसके लिए एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा जहां पे आप फीड कर सकें और अगर मोबाइल नंबर चाहिए आपको तो आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा और क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको बैंक अकाउंट ओपन करना होगा और बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए सो मुझे लगता था ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है और तो मैं ये कैसे लूँ 14 डेज तक तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं क्वारंटीन में हूँ सो आई थॉट कि जब मेरा थॉटी पीरियड खत्म हो जाएगा मैं बाहर जाऊंगा एक्सप्लोर करूंगा कि कौन सी चीज़ मैं पहले कर सकता हूँ बट यहीं पे अपना आइसोलेशन में बैठे बैठे मैंने एक्वायर करा है कैनेडियन मोबाइल नंबर विदाउट इवन लीविंग द प्रिमेस मैंने कैसे लिया ये सिम कार्ड ये मैं थोड़ा लेटर एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दू पे कौन कौन से मोबाइल ऑपरेटर्स हैं सो so कैनाडा में मेजरली सिक्स मोबाइल कंपनीज हैं रॉजर्स बेल एंड टेलस एंड रॉजर्स के नीचे दो सब कंपनीज हैं फाइडो एंड चार्टर सो बेसिकली फाइडो और चार्टर जो हैं वो न्यू कमर्स के लिए होता है उनके प्लान्स थोड़े चीप होते हैं और रॉजर्स बेल एंड टेलर्स के प्लान्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं अराउंड एटी विदाउट अ मोबाइल फ़ोन तो मैंने जो सिम कार्ड लिया है वो लिया है फाइडो का क्योंकि मैं प्लान्स कंपेयर कर रहा था और मुझे बेस्ट जो प्लान मिला है वो फाइडो में मिला है और फाइडो की सर्विस भी अक्रॉस कैनेडा बहुत अच्छी है मैंने जो प्लान लिया है वो है अराउंड फिफ्टी डॉलर्स का कैनेडियन डॉलर्स का उसमें इंक्लूडेड है एट जीबी ऑफ डेटा अनलिमिटेड कैनेडा वाइड कॉलिंग एंड अनलिमिटेड वर्ल्ड वाइड टेक्सटिंग मतलब एसएमएस हाउ डूड आई एक्वायर अम कार्ड वेल सिटिंग एट माई प्लेस बहुत ईजी प्रोसेस है आपको एक एजेंट को कॉन्टेक्ट करना है तो मेरे केस में वन ऑफ द यूनिवर्सिटी मेट उसने अपना एक एजेंट का नंबर मुझे दे दिया था जिसके थ्रू उसने सिम कार्ड खरीदा था और मैंने उसको सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करा उसने मुझसे बस दो डॉक्यूमेंट मांगे स्टडी परमिट एंड माई पासपोर्ट कॉपी और साथ ही साथ उसने मेरी ई मेल मांगी और एक एड्रेस मांगा जहाँ पे वो मेरा सिम कार्ड शिप कर सकता था नाउ द क्वेश्चन इज तो मैं इसका पेमेंट कैसे करूं क्योंकि मेरे पास तो बैंक अकाउंट है ही नहीं है तो ये मैं पेमेंट आफ्टर वन मंथ कर सकता हूं जब मेरा पोस्ट का बिल आएगा बहुत लोग जो कनाडा नए नए आते हैं उनको शौक होता है नया मोबाइल लेने का और वो ज्यादातर ट्राई करते हैं कि एक मोबाइल प्लान के साथ ही एक मोबाइल ले लें जो कि सही चीज है करना लेकिन इन द इनिशियल डेज इट इज नॉट एडवाइजेबल क्यों क्योंकि आप नए नए कनाडा आए हैं आपकी रिलायबिलिटी जीरो होती है कंपनी सोचती है यू डो नॉट हैव एनी हिस्ट्री इन द कंट्री एंड यू कुड बी अ थ्रेट सो आपको करना क्या है जब भी आप कोई प्लान लें आप विदाउट मोबाइल लें उसको और आप वेट करें एटलीस्ट टू थ्री मंथ्स के लिए जब तक आप उस कंपनी के लॉयल कस्टमर नहीं बन जाते उसके बाद आप कोई जो सा भी अपना मोबाइल प्लान यूज कर रहे हैं आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनको पूछ सकते हैं कि नए मोबाइल पे क्या क्या ऑफर्स हैं इससे क्या होगा जो मोबाइल मार्केट में भले ही नया चल रहा है वो आपको एक सस्ते प्राइस में मिल जाएगा ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स एंड यहाँ पे मोबाइल लेने के लिए एडवाइजेबल टाइम जो वो है मार्च मे जून नवंबर एंड दिसंबर होता है इसके अलावा और भी कोई मंथ्स बचे हुए हैं वहां पे मोबाइल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं सो आई विज यू टू वेट फॉर दीज मंथ नॉलेज डिस्कस वाई दीज प्लान आर सो कॉस्टली फिफ्टी डॉलर में सिर्फ एट जीबी फिफ्टी डॉलर इंडिया दैट टू मंथली जबकि आप अगर इंडिया से आ रहे हैं एयरटेल और जियो दे ऑफर यू टू जीबी डेटा पर डे एंड दैट टू फॉर अराउंड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड रुपीज क्वार्टरली सो इसका रीजन ये है कि कैनाडा जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है सो कैनेडियन मोबाइल ऑपरेटर्स ने पूरे कंट्री में अपने टावर्स लगा रखे हैं। आप कहीं ना कहीं से तो ये कॉस्ट उनको वसूल करनी पड़ेगी तो ये कॉस्ट जो है वो डिवाइड हो जाती थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अगेन आई विल एडवाइस यू अगर आप नए आ रहे हैं कनेडा में तो नया मोबाइल मत लियेगा थोड़ा वेट कर लेगा थोड़ी अपनी हिस्ट्री बना लेगा ताकि आपकी थोड़ी रिलायबिलिटी बढ़ जाए और कैनेडियन मोबाइल ऑपरेटर्स आपको एक नया मोबाइल दे सके सस्ते में फाइनल मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है सो so देट अगर आपकी कोई कंसर्स है कोई क्वेरीज हैं यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली आप बस जाओ सर्च करो मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ अपना इंस्टाग्राम हैंडल uh, मुझे डायरेक्ट आप डीएम कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सोन एज पॉसिबल एंड इफ यू गाइस फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज हट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई विल सी यू इ नेक्स्ट वीडियो अटिल देन टेक केयर बाय बाय